कर्नाटक आईटीबीटी मिनिस्टर प्रियांक खड़गे ने अपने ट्विटर अकाउंट के जरिए गुलबर्गा डिस्ट्रिक्ट के लिए एक बड़ा ऐलान किया है। प्रियांक खड़गे ने बताया 7,610 करोड़ रुपयों की लागत से गुलबर्गा डिस्ट्रिक्ट में कुल 4 बड़े सीमेंट फैक्ट्री ओपन किए जाएंगे, जिसमें 2,000 से ज्यादा बेरोजगार लोगों को जॉब दिया जाएगा। सुवर्णा सौदा बेलगावी में कर्नाटक हाई लेवल क्लियरेंस कमेटी की जानिब से मीटिंग ऑर्गेनाइज की गई थी, जिसके जरिए पूरे कर्नाटक में 34,114 करोड़ रुपया खर्च कर 24 नए प्रोजेक्ट बनाए जा रहे हैं, जिसमें 13,000 से ज्यादा लोगों को जॉब दिया जाएगा। और अगर सिर्फ गुलबर्गा डिस्ट्रिक्ट की बात करें तो प्रियांक खड़गे ने बताया गुलबर्गा में कुल 4 बड़े सीमेंट फैक्ट्री ओपन किए जाएंगे, जिसके लिए 7,610 करोड़ रुपया खर्च होगा। 4 सीमेंट फैक्ट्री में पहला नाम श्री सीमेंट फैक्ट्री का है, जिसको बनाने के लिए 2,850 करोड़ का खर्च होगा और यहां 1,000 से ज्यादा लोगों को जॉब मिल सकती है। दूसरा नाम अल्ट्राटेक सीमेंट फैक्ट्री का है, जिसको बनाने के लिए 2,670 करोड़ रुपया खर्च होगा और यहां 650 लोगों को जॉब मिल सकती है। और तीसरा नाम ओरियंट सीमेंट फैक्ट्री का है, जिसको बनाने के लिए 90 करोड़ रुपया खर्च होगा और यहां 60 लोगों को जॉब मिल सकती है। और चौथा नाम रैमको सीमेंट फैक्ट्री का है, जिसको बनाने के लिए कुल 2,000 करोड़ रुपया खर्च होगा और यहां 360 लोगों को जॉब मिल सकती है। इन 4 बड़े सीमेंट फैक्ट्री को ओपन करने से गुलबर्गा डिस्ट्रिक्ट में बेरोजगार लोगों को बेहतर जॉब मिल सकती है। और ये 4 फैक्ट्री गुलबर्गा डिस्ट्रिक्ट में कहां ओपन की जाएंगी और कितना वक्त लगेगा, इस बारे में फिलहाल कोई जानकारी नहीं है। This video presented by Al Sharia PU College for Boys and Girls, MSK Mill Road, Al Sharia PU College for Girl at Muslim Chowk, Bijgori, Gulbarga Girls PU College, opposite Makkah Masjid, Basveshwar Colony, Al Sharia BSc Degree College for Girls, Yadula Colony, and Al Sharia Public School powered by LED, Old Jewargi Road. Admission are open, contact for details.